सो अगर आप लोग फॉरएवर में वर्क कर रहे हो तो आज का वीडियो आपको स्किप नहीं करना है, बिकॉज आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत सी गलतियां आपकी बताने वाला हूं एंड आज के इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो आज का वीडियो आपके भूल के लिए स्किप नहीं करना है, बिकॉज आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। एंड हाँ गाइस, चैनल पे नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज इस चैनल में आपको डिजिटल से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलते रहते हैं एंड फॉरएवर से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहते हैं। चलिए जानते हैं वो 10 गलतियां ऐसी कौन सी है एंड आपको ऐसी 10 गलतियां कौन सी नहीं करनी है एंड आपको करना क्या है, राइट। तो चलते हैं वीडियो के। तो फर्स्ट गलती जो आप लोग करते हो, सबसे पहले आप लोग को ईमानदारी से वर्क करना है। आप जब फॉरएवर कंपनी में वर्क कर रहे हो तो आप लोग को ये देखना है कि यार मुझे ईमानदारी से वर्क करना है। बहुत से लोग ये करते हैं कि लोगों को मिसगाइड करते हैं। एग्जांपल भाई, जैसे कि आपके साथ कोई ज्वाइन करने आया या तो फिर आपने किसी ग्रुप में देखा, अपने जो फॉरएवर के ग्रुप्स होते हैं वहाँ कोई नया पर्सन आया एंड वहाँ पर देखते हो आप लोग उनको जाके पर्सनल में कोई मैसेज करते हो, और भाई कहाँ से हो भाई, आप इसके साथ ज्वाइन हो रहे हो भाई, आप मेरे साथ ज्वाइन हो जाइए भाई, मैं आपको प्रॉफिट दूंगा भाई, ये दूंगा वो, मतलब बहुत सी बात है, राइट। तो आप लोग को कभी ये करना ही नहीं है यार। आप लोग ये सोचिए भाई कि यार आप एक लोग को ज्वाइन करा के थोड़ा करोड़पति बन जाओगे। आप फॉरएवर में आते हो अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए, अच्छी एक लाइफस्टाइल जीने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए। तो क्या आप एक लोग के साथ ऐसा करोगे एंड जो उसका जो अपलाइन होगा, जो मतलब स्टार्टिंग में उसके साथ मेहनत कर रहा होगा, वो आपको क्या बददुआ देगा, समझ रहे हैं बात को। तो आपको ये कभी भी नहीं सोचना है अपने माइंड में कि मैं यार उसका पर्सन है, मैं ज्वाइन करा लेता हूँ, या फिर यार ये बंदा है यार, अगर मैं ज़्यादा उसको सिखा दूंगा ना, अगर यार मुझसे यार ज्ञान इसके पास हो जाएगा तो यार मुझसे आगे निकल जाएगा, या फिर मेरा डाउनलाइन है जैसे कि, या फिर जैसे मेरा अपलाइन है, अपलाइन क्या सोचता है कि यार मुझसे ज़्यादा सक्सेस ये हो जाए, बिकॉज उसके शरीर में मेरी सक्सेस है, राइट। तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना है एंड आपको कभी भी किसी को मिसगाइड नहीं करना है। जितना हो सके उसको आप नॉलेज दीजिए, जितना हो सके आप ईमानदारी से काम कीजिए इस बिजनेस। अगर आप लोग मेरी तरह ईगल क्लब 23 की सोसाइटी के पार्ट हो तो आप लोग को याद रखना है कि आप लोग को 18 से जो कम लोग हैं उनको कभी ज्वाइनिंग नहीं करानी, बिकॉज हमारे जो ईगल क्लब का रूल है 18 माइनस नहीं लेती है, बिकॉज यहाँ पर मानते हैं कि यार जो 18 माइनस पर्सन होते हैं उनको भी इतना नॉलेज नहीं होता है। तो 18 प्लस लोगों को ही आप इस बिजनेस में इन्वॉल्व कीजिए। बहुत से पर्सन ऐसे करते हैं जैसे कि उनका कोई पार्टनर होता है, मतलब कि ज्वाइनिंग करने लिए आता है, अपना जो लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर डन करने आता है 2-3 डन करने के लिए, तो वो लोग उनसे पेमेंट लिया करते हैं कि आप मेरे गूगल पे नंबर पे पेमेंट कर दो, मैं आपका लेवल डन कर देता हूं। तो ऐसा नहीं आप लोग करना है। आप लोग को जूम ऐप पर उसको इन्वाइट करना है, आप लोग को स्क्रीन शेयर करके या फिर उनकी स्क्रीन शेयर करवा के, जैसे कि आप जानते हो सब कोई, उनको लेवल ही करवाना है उनके ही मोबाइल से। आप लोग को ऐसा नहीं करना है कि लाओ मेरे में पैसा डाल दो मैं कर दूंगा, ऐसा नहीं करना आप लोग को। आप लोग क्या करिए कि आप लोग जूम पर स्क्रीन शेयर करवाइए एंड उनके ही हाथों से उनको अपना जो लेवल होता है उनको डन करवाइए, ताकि उनको बिलीव भी हो सके एंड आगे चल के उनको भी डन करवाना है, ठीक है। तो आप साथ ही साथ उनको सिखा भी सकते हैं। एंड फोर्थ, आपको फॉरएवर के बिजनेस है जो, इसको हमेशा अपना समझ के चलना है। ये नहीं कि अरे यार मेरा अपलाइन ऐसा कर रहा है, यार मेरा अपलाइन ने सही वर्क नहीं कर रहा, मैं भी सही वर्क नहीं करूँगा, अरे यार मेरा डाउनलाइन यार काम ही नहीं कर रहा मेरे साथ, मेरे लिए कुछ मेहनत ही नहीं कर रहा है। तो आपको ये नहीं सोचना है, आपको सिर्फ ये सोचना है यार कि मेरा बिजनेस है, बस मुझे कमाना है पैसा, यहाँ से बात खत्म। मैं अकेले यहाँ पर सक्सेस होकर दिखाऊंगा तो दिखाऊंगा, मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट करे या ना करे, मेरा डाउनलाइन मुझे वर्क करके दे या फिर ना दे, ठीक है। आपको इस बिजनेस को अपना समझना है एंड अपना समझने के बाद में ही आपको वर्क स्टार्ट करना है यहाँ पर। एंड फिफ्थ, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारे बिजनेस का, जो अपलाइन होते हैं, जो कि आपको इस बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं, जो कि आपको इस बिजनेस में लाते हैं, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करो। बिकॉज अपलाइन को, अगर मैं अपने अपलाइन की बात करूँ तो मिस्टर सोहिल खान जो हमारे सर हैं, ठीक है, वो मेरे को इस बिजनेस में लाए थे। एंड मैं आपको एक बात, थोड़ी सी स्टोरी बताऊँगा आपको गाइज। ये जो मेरे सोहिल सर थे, मैं हमारी इनकी फ्रेंडशिप मतलब 2-3 सालों से थी, लाइक फ्रेंडशिप के रूप में थी, भाई मतलब कि पहले ऐसे बात किया करते थे और भाई तू बता कैसा है और ऐसे वैसे, ठीक है। लेकिन जैसे ही इन्होंने मेरे बिजनेस के बारे में बताया, मेरे बिजनेस को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व किया मेरे को फॉरएवर में, तो ट्रस्ट मी गाइज, मैं उनको आज भगवान मानता हूँ, बिकॉज मैं उनकी वैल्यू जानता हूँ कि उन्होंने मुझे क्या एक अपॉर्चुनिटी दी है, राइट। फॉरएवर एक ऐसी एक कंपनी है जो कि यार बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है आपका, राइट, बहुत ही अल्टीमेट फ्यूचर है आपका। तो वो सिखाया जाता है हमारी कंपनी में, हमारे ट्रेनिंग्स में, कि अपलाइन का सपोर्ट करो, अपलाइन की हेल्प लो, अपलाइन को अपना एक भगवान रूप मान के चलो। एंड वो सच बात है कि अपलाइन को हमेशा अपना भगवान मानो। अपलाइन कोई ऐसा करता है, अरे यार मेरा अपलाइन तो फ़ोन ही नहीं उठाता भाई, मेरा अपलाइन मेरे सपोर्ट ही नहीं कर रहा, तो आप करो ना, अपलाइन आपका बिजी है, आपको कॉल बैक नहीं कर रहा, आप अपलाइन को कॉल करो 20 बार करो, कैसे ना कॉल उठाएंगे आपका, कॉल उठाएंगे वो। एंड कभी भी अपलाइन को एक्सक्यूज़ मत दो। आप लोग अपलाइन अगर आपका नहीं बता पा रहे हैं, बिजी हो, तो आप लोग जाकर यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो आपको प्रॉब्लम क्या है, यूट्यूब पर हर एक चीज़ का सलूशन है, राइट। नेक्स्ट,
कभी भी जो हमारे कंपनी की ट्रेनिंग्स होती हैं, जो हमारे फॉरवर्ड में जो ट्रेनिंग्स कराई जाती हैं, जो लाइव ट्रेनिंग्स होती हैं, आप लोग को कभी भी उनको मिस नहीं करना है। बिकॉज आप लोग को अगर फॉरवर में सक्सेस होना है तो आपको ट्रेनिंग्स लगभग लेनी पड़ेंगी, जो आपके अपलायंस बोल रहे हैं वो करना पड़ेगा। जैसे कि अपलायंस ने बोल दिया ये टी शर्ट का कलर यहाँ पर रेड नहीं ब्लैक है, तो मुझे ब्लैक मानना है बिकॉज मेरे अपलायंस ने कहा है। मेरे बाल ब्लैक है लेकिन उन्होंने कह दिया रेड है, तो रेड मानना है मुझे, ठीक है। आपको हमेशा अपलायंस की बात सुननी है एंड आपको रेगुलर ट्रेनिंग्स लेनी है, जो भी आपको कराई जाती हैं ट्रेनिंग्स एंड जो अपलायंस बोलते हैं वो आपको रेगुलर करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपना जब भी आप फॉरवर में वर्क कर रहे हो ना, तो यार एक टाइम टेबल बना के चलो कि मेरे को इनवाइट कब करना है, कि मेरे को फॉलोअप कब करना है, कि मेरे को सीनियर अप्रोच कब करनी है, कि मेरे को क्लोजिंग कब करनी है, कि मेरे को फॉलो, मतलब कि और भी जो चीज़ें होती हैं आपको कब कैसे करना है इसका एक टाइम टेबल बनाओ, ठीक है। आपको कब ट्रेनिंग्स लेनी है, कब आपकी ट्रेनिंग है, कब आपको पर्सनल ट्रेनिंग लेनी है, मतलब कि आपको यूट्यूब पर वीडियोज़ देखने हैं, आप इनका एक हर चीज़ का एक टाइम टेबल बना लीजिए, ठीक है। अगर आप लोग को टाइम टेबल बनाना नहीं आता, आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझसे कॉन्टैक्ट करने के लिए, मेरे साथ टीम में ऐड होने के लिए नीचे आ रहा है कॉन्टैक्ट नंबर पे, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो डायरेक्टली व्हाट्सअप पे, मैं या फिर मेरी टीम आपको कॉन्टैक्ट जरूर कर लेगी। तो बहुत से पर्सन रेगुलर वर्क करते हैं, एक महीने दो महीने वर्क करते रहते हैं, उसके बाद अगर इनको रिजल्ट नहीं मिलता है, जैसे कि रिजेक्शंस आते हैं बहुत से पर्सन को, यार क्या सोचते हो आप लोग, जब मैंने स्टार्टअप किया था तो क्या मुझे रिजेक्शंस नहीं मिले थे क्या, मुझे सब कुछ मिला था गाइस, ठीक है। मैंने यहाँ पर मेहनत की, यहाँ पर मैंने स्किल सीखी गाइस। अगर आप लोग यहाँ सोच रहे हो कि अरे यार मेरा हर मंथ का 20,000-50,000 का चेक आए, अगर आप लोग यहाँ पैसे के लिए आए हो ना फर्स्ट मंथ से, तो गारंटी कि आप लोग यहाँ पर सक्सेस नहीं हो पाओगे। अगर आप लोग यहाँ पर अपनी सक्सेस के लिए आए हो तो पहले आपको स्किल सीखनी है, आपको पहले लर्निंग लेनी है कि यहाँ पर मुझे ये सीखना है, उसके बाद मैं करूँगा तो पैसा पक्का आएगा। गाइस आप लोग को पहले लर्निंग लेनी है, स्किल सीखनी है, पैसा तो यहाँ बहुत ज़्यादा है, राइट। एंड आप लोग को कभी भी गिव अप नहीं करना है। बहुत से पर्सन होते हैं यार एक महीने दो महीने तीन महीने वर्क करते हैं, गिव अप कर देते हैं, अरे भाई मेरे लिए नहीं है भाई, ये नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लिए है नहीं भाई, मुझसे बंदे जोड़ने का काम हो ही नहीं पाएगा भाई, तो क्या मैं पागल हूँ क्या, मेरा अपलाइन पागल है क्या, जो लोग सक्सेस है पागल है क्या, कैसे कर लिए भाई, वो भी तो इंसान है ना, आप भी इंसान हो तो आप भी कर सकते हो। नेक्स्ट, ट्रेनिंग्स के दौरान आपको बताया जाता है कि जब भी अपना आप बिजनेस स्टार्टअप करो ना, तो आपको अपना एक ड्रीम चार्ट बनाना है, आपको अपने ड्रीम चार्ट बनाना है, आपके अपने गोल्स बनाने हैं, आने वाले 6 मंथ में आपको क्या अचीवमेंट करनी है, आने वाले 1 ईयर में आपको क्या अचीवमेंट करनी है, आने वाले 3 ईयर में एंड आने वाले 5 ईयर में आपको क्या क्या अचीवमेंट करनी है, राइट। कहते हैं जैसे ही आप लोग अपना चार्ट या गोल्स सेट करते हो ना, तो आप लोग जहाँ पर लेटते हो सोते हो आप लोग अपने वहाँ पर सामने लगा लो, जहाँ भी आपका रूम है, जहाँ भी आप वर्क करते हो ना, अपने उस चार्ट को अपने सामने लगा लीजिए, ताकि वो आपके आंखों के सामने रहे एंड आपको मोटिवेट करते रहे कि इशू यार तेरे को ये करना है। जैसे कि मैं अपने चार्ट अपने आंखों के सामने लगा, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ ना, मेरे सामने आंखों जस्ट चार्ट, राइट, तो मेरे को मोटिवेट करते हैं, इशू यार तू जा वीडियो बना, इतनी गर्मी है मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, आप लोग के लिए, हेल्प के लिए, राइट, मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए ताकि मैं आपको सिखा सकूँ, वैल्यू एड कर सकूँ आपके लाइफ में, राइट। आज मेरे को आप लोग कॉल करते हो यहाँ से मेरा नंबर लेके, बहुत से लोग मुझे कॉल करते हैं, मुझसे पूछते हैं, तो मेरे को फील होता है नहीं यार इसे तो कुछ कर सकता है, तो वही फीलिंग आपको भी लानी है, राइट। तो आप लोग अपना एक ड्रीम चार्ट बनाइए, जो बोलते हैं अप्लायंस करिए। कि मैं एंड में इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप लोग यार इस बिजनेस में धैर्य रखना है। बहुत से पर्सन होते हैं जो लोग सोचते हैं यार मेरे को इस मंथ ना 10 CC हिट करनी है तो करनी है, और क्या पता वो एंड में 2 CC भी हिट नहीं कर पाते, बिकॉज उसका रीज़न ये होता है कि आप लोग उतना एफर्ट्स करते ही नहीं हो ना, तो कैसे यार आपका 10 CC डन हो जाएगा। आप लोग पहले अपना एफर्ट्स करना स्टार्ट कीजिए। आप लोग को अगर प्रॉब्लम आ रही है कि यार मैं लीड कहाँ से लाऊँ, मैं कैसे लोगों को ज्वाइन कराऊँ, मैं कैसे यार लोग कहाँ से आए मेरे पास ज्वाइन करने, मेरे पास लोग ही नहीं है, मैं लोगों को क्या बोलूँ, इनके सारे आपके डाउट्स ना आपको मेरे ही चैनल पर मिलेंगे। अभी बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, बिकॉज ये सारे वीडियोज़ मेरे चैनल पर आने ही वाले हैं, तो आपको बहुत हेल्पफुल मेरे वीडियोस मिलने वाले हैं, ठीक है आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। एंड हाँ गाइस, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट है ना, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का एक एक वीडियो बनाऊंगा क्लियरली, राइट। तो आप लोग मुझसे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंड हाँ गाइस, गिव अप मत कीजिए यार, फॉरएवर में आए हो तो थोड़ा सा टाइम दो। आप लोग 3-3 साल 5-5 साल पढ़ाई को देते हो, बीए करने के लिए देते हो, ग्रेजुएशन को देते हो, लेकिन आप लोग वहाँ पर कुछ हासिल नहीं करते हो। अगर मैं बोल दूं अगर 3 साल आप फॉरएवर को दोगे ना, ट्रस्ट में आपका बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। लोग यहाँ पर सिर्फ 2-3 महीने वर्क करते हैं, अरे भाई मुझसे नहीं हो रहा है, बात खत्म। यार टाइम तो दे तू, कैसे नहीं होगा तेरे से, तो टाइम दे के देखो सब कुछ। होप आज की इस वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ यार गाइस वीडियो पर लाइक
एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड अगर आपके जो भी डाउट्स हो, जो भी कुछ भी हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आप मुझसे व्हाट्सअप पे या फिर मेरे से डायरेक्टली कॉलिंग करना चाहते हैं ना, तो मेरा नीचे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा होगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग फॉरएवर में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, आप लोग को कोई बता नहीं पा रहा है कि भाई क्या सही है, कोई फ्रॉड तो नहीं है, ये वो कैसे ज्वाइन करूँ, तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर दूंगा। एंड अगर आप लोग मेरी टीम में आना चाहते हो, मेरे साथ सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो मैं आपको बिजनेस के साथ साथ बताऊंगा यूट्यूब पर कैसे ग्रो करते हैं, इंस्टाग्राम पर कैसे ग्रो करते हैं, आपके सारे जो डाउट्स होते हैं, कैसे आपको सक्सेसफुल पर्सन बनना है, कैसे आप एक लीडर बन सकते हो ना, मैं आपको पूरा गाइड करूंगा। तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।